पन्ना में पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां जिले के सभी जिम संचालक शामिल हुए। इस चैंपियनशिप में आए अतिथियों ने विजेताओं को सम्मानित किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पन्ना पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के तत्वावधान में द्वितीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पन्ना जिले के सभी जिम संचालक शामिल हुए। वहीं इस चैंपियनशिप में योग्यता तिवारी ने स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब जीता। वहीं स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब सत्येंद्र तिवारी को मिला। मेरा जो टोटल वेट था वो था 280 किलो का। 280 किलो टोटल मैंने उठाया था और उसमें मैंने डेडलिफ्ट मारी थी 125 किलो की, जो मेरे फाइनल डेडलिफ्ट गई थी, और बेंच प्रेस थी 55 किलो की और स्क्वाट्स मारे थे 100 किलो के, यानी 100 किलो के। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे को पन्ना की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन का अवार्ड मिला है, तो ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है क्योंकि पन्ना में बहुत सारी और भी लड़कियाँ आएंगी, तो उनको भी प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि वो भी पार्टिसिपेट करें ऐसे आगे। तो ये पहले भी मैंने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, तो उस टाइम भी मैंने काफ़ी फ़ाइट करी थी स्ट्रॉन्गेस्ट वूमेन के लिए, पर नहीं मिल पाया था। बट इस टाइम वो अवार्ड मैंने ले लिया, अपने नाम कर लिया, तो वो इस बार मेरे पास है अवार्ड। पन्ना पावरलिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा पावरलिफ्टिंग आरएससी वुमेन्स फिजिक कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया था धाम मोहल्ले में, मंगल भवन में, और इसमें सत्येंद्र तिवारी जी जो हैं वो स्ट्रॉन्ग मैन बने हैं, पन्ना के द्वितीय स्ट्रॉन्ग मैन बने हैं, और योग्यता तिवारी जो है वो स्ट्रॉन्ग वुमेन बनी है, और सभी खिलाड़ियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत अच्छा उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, और पूरे पन्ना जिला के जिम संचालकों ने अपना सहयोग प्रदान किया। स्टेट और नेशनल लेवल पर भी अपन जाए, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का उपस्थित अतिथियों के द्वारा सम्मान किया गया। वहीं प्रतिभागियों ने अन्य युवा जो पावर लिफ्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, पन्ना।